देखो ये छोटू है जो बैलगाड़ी लेके जा रहा है। ये है यहाँ की प्योर शुद्ध देसी लाइफ। यहाँ पे आ रही है पूरी गांव वाली फीलिंग। और ये तो आपको सब जगह मिल जाएगी ये वाली गाड़ी पूरे मेड़ा। गुड नाइस। देखा यहाँ पे लकड़ियों की दुकानों में लोग कपड़े वगैरह बेचते हैं। ये ना मेरे को देख के ऐसे भग रहे थे उधर, जैसे मैं इनको खा जाऊंगा ना। गुड इवनिंग गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल द इंडो ट्रेकर। और अभी मैं हूँ जो मेडागास्कर की मिड में सिटी पड़ता है, मिड में नहीं थोड़ा सा साउथ में मान लो या मिड में मान लो, तो इहोसी नाम से एक सिटी है। मैं टोलियारा से अभी यहाँ पे आके पहुँचाई हूँ। टोलियारा से इहोसी तक मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि वो जगह आपको पहले दिखा चुका हूँ। और अभी मैं इहोसी में हूँ। एक्चुअली मुझे जाना तो साउथ पार्ट था, जो सियोम्बे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है एक, वो बिल्कुल ड्राई है, वहाँ पे 5-7 साल से बारिश नहीं हुई है। लेकिन टोलियारा से ना मुझे वहाँ के लिए बस नहीं मिली। एक्चुअली उन्होंने बोला 6 दिन बाद बस, 6 दिन। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत गंदा है। तो अभी मैं जा रहा हूँ बाहर जा रहा हूँ, थोड़ा सा इहोसी सिटी को एक्सप्लोर करूंगा। और यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे यार। 70-80% लोग देखते हो और आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते यार, सब्सक्राइब कर दिया करो। तो अभी इहोसी सिटी को एक्सप्लोर करने चलते हैं थोड़ा सा, और बस वगैरह का पता करेंगे। अभी तो मैंने यहाँ पे रूम लिया, ये देखो आप लोग, ये रूम यार इन्होंने 35,000 मेरे से चार्ज किया है। तो 35,000 लगभग 650 रुपये के लगभग होता है, पता नहीं यहाँ पे रूम वगैरह बाहर का देख के चार्ज करते हैं क्या ज़्यादा। तो अभी तो थोड़ा सा बाहर चलते हैं यार, फिर देखते हैं। देखिए तो ये चलते हैं भाई, हम लोग आ गए अपने होटल से बाहर। तो अभी ये है इहोसी सिटी, ये देखो उधर से इहोसी सिटी होता है शुरू। और सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बस स्टैंड चलता हूँ, बस स्टैंड चल के थोड़ा सा फिर गाँव वहाँ घुमा के लाऊँगा। यहाँ के इहोसी सिटी के आपको आसपास के जो भी गाँव है ना वो घुमा के लाऊँगा। और मेरी होटल का क्या नाम है यार, नेरीना होटल, एक फ़ोटो ले लूँ नहीं भूल जाऊँगा मैं। होटल ढूँढता ही रहूँगा यहाँ पे। हीरोज़, और ये तो आपको सब जगह मिल जाएगी ये वाली गाड़ी पूरे मेडागास्कर में। सलाम। और इधर मुझे जाना है बस स्टेशन पे, बस स्टेशन पे जाके ये यहाँ पे देखो छोटे सा बियर शॉप है, हर शॉप पे बियर मिल जाती है, ये चिकन वगैरह। अच्छी है ना सिटी, कैसी लग रही है सिटी? मस्त है, छोटी सी सिटी है, कोई खास ज़्यादा बड़ी नहीं है। मोरा फाना का क्या मतलब होता है बताओ, मोरा फाना का मतलब? तो मेरा मेडागास्कर में मैं बहुत कम लोगों से जो इंग्लिश जानते थे ना उन्हीं से कन्वर्सेशन कर पाया हूँ, बाकी तो यूँ ही इशारों में ही काम चला है बस मेरा यहाँ पे, या तो मोबाइल में वो ट्रांसलेटर या फिर मैन काम कब पड़ता है जब प्राइस पूछनी होती है, प्राइस बस मोबाइल में वो कॉन्टैक्ट नंबर डायलिंग वाला वो खोल के दे देता हूँ कीपैड, तो वो उसमें डायल कर देते हैं कि हाँ कितना पैसा हुआ। ऐसे काम चला रहा हूँ यहाँ पे मेडागास्कर में। सीखना पड़ेगा यार 2-3 लैंग्वेज, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, ये 2-3 लैंग्वेज सीख लेंगे ना तो फिर इतना ज़्यादा दिक्कतें नहीं आने वाली है। और ये देखो ये इहोसी सिटी कुछ ऐसी दिखती है यहाँ। गुड नाइस, यू लुकिंग गुड। सारा मीन्स सॉरी, सारा बेबी मटेरियल। ओके सलाम बाय। वो मैं रिकॉर्डिंग करते करते जा रहा था, वो भाई मेरे को पीछे से आवाज़ देके बुलाता है, भाई क्या है क्या है ये, क्योंकि मैं गोप्रो, जब भी मेरे पास मैं गोप्रो से शूटिंग करता हूँ ना, बस मैं यूँ हाथ में ही लेके रखता हूँ, मैं कोई ट्राईपोड वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करता, कोई माइक वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करता, बस गोप्रो। पहले गोप्रो 9 यूज़ करता था, अब मैंने गोप्रो 11 ले लिया है, बाकी कुछ भी यूज़ नहीं करता, कोई कैमरा नहीं, कोई आईफोन नहीं, केवल अपना गोप्रो और एक मैकबुक ले रखा है बस, इनसे काम चल जाता है। ये यहाँ का बस स्टेशन है। ये क्या मुर्गा है या डक है? डक। यहाँ पे ना चिकन के भरोसे आपको डक खिला देंगे, जब भी मेडागास्कर में आओ ना तो थोड़ा सतर्क रहना। और ये अभी यहाँ का बस स्टेशन आ रहा हूँ, मुझे पता नहीं था यहाँ पे बस स्टेशन इतना बड़ा है, मैं सोच रहा था छोटा सा ही है इहोसी का बस स्टेशन। अभी देखते हैं यार, ये देखो यहाँ पे सामान, ऐसी ऐसी गाड़ियों पे सामान ले जाते हैं ये लोग। यहाँ पे बस स्टेशन है यहाँ का, सब लोग जो बस स्टेशन पे शायद ये बेचने वाले हैं ठेले वेले। ये देखो आम यहाँ पे 2 रुपये का, 3 रुपये का एक आम मिल जाता है, और आम भी है जो एकदम फ्रेश आम मिलेगा, फ्रेश मैंगो मिलेगा आप लोगों को। तो अभी तो पहले यहाँ पे बस स्टेशन पे पता करते हैं कि मुझे साउथ पार्ट में जाना है, वहाँ के लिए बस मिल जाती है तो ठीक है, नहीं फिर अपन वापस चलेंगे अंता ना। अरे लौंडे, छोटे छोटे बच्चे हैं ना जो देखो ताश पत्ती खेल रहे हैं, इतने छोटे छोटे बच्चे,
अपने तो ना घर वाले ना मार मार के भुंड सुझा दे ऐसे छोटे छोटे बच्चों के हाथ में ये पत्ते भी देख ले तो। क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग? ओह माय गॉड, ये लोग आके यहाँ पे देखो ये गोल बना रखा है इन्होंने, गोल करने का ये देखो फुटबॉल का क्रेज, एक गोल करने का ये बना रखा है, ये भाई गोल कीपर रहा है, एक गोल करने का वो बना रखा है, फुटबॉल का जबरदस्त क्रेज है यहाँ के लोगों में। ये बस टिकट, ओह माय गॉड, यहाँ पे टिकट ही बड़े महंगे में यार, सकरा 25,000, मोरंडा 90,000 हरियरी, टोलियारा 30,000 हरियरी, टोलियारा का तो मैंने भी 30,000 हरियरी दिया था आते टाइम। बस या नो नो बस नो बस। ओ माय गॉड भाई क्या करे, साउथ पार्ट के लिए कहीं से बस ही नहीं मिल रहा मुझे। अब मैं थोड़ा सा टिकट तो ले लिया यार, साउथ पार्ट के लिए कोई बस नहीं जाती। अब मैंने यहाँ से जो एंतानारिवोस यहाँ की कैपिटल, उससे बहुत पहले एक सिटी पड़ती है अमुस्ट्रा, तो अमुस्ट्रा के लिए टिकट ले लिया है। और यहाँ पे देखो ये भाई है जो सेकंड हैंड शूज़ वगैरह बेच रहे हैं, यहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें सेकंड हैंड ही मिलेगी आपको। एक्चुअली यहाँ के लोग इतने कैपेबल नहीं होते कि वो अच्छी खासी चीज़ें अफोर्ड कर सकें, मैक्सिमम लोगों को तो दो टाइम का खाना भी नहीं मिलता है यहाँ पे। तो अभी चलते हैं थोड़ा सा और आगे तक घूम के आऊँगा, इस मार्केट में थोड़ा आगे तक घूम के आऊँगा मैं। और ये देखो यहाँ पे ऐसे लकड़ियों के ठेले बने हुए होते हैं यहाँ पे, लकड़ियों की दुकानें बनी होती है, आपको पक्की दुकानें भी नहीं मिलेगी यहाँ पे। देखा यहाँ पे लकड़ियों की दुकानों में लोग कपड़े वगैरह बेचते हैं। अब ऐसे टाइम पे यहाँ पे बारिश वगैरह आ जाए तो बेचारों के लिए इतनी दिक्कत होती है, पूछो मत। ये देखो सारे के सारे पूरे के पूरे लकड़ियों से बने हैं, ऊपर है जो तिरपाल वगैरह भी नहीं है, कई कई पे तो पन्नी तान रखी है ऊपर इन लोगों ने। ये लेडीज है जो अपना सामान वगैरह बांध के और दुकान बढ़ा रही है। योसी सिटी वगैरह ये आप लोगों को ना मेडागास्कर में ऐसी ऐसी सिटी दिखा रहा हूँ तो आप लोगों ने कभी देखी नहीं होगी, मान लो आपकी लाइफ में मेडागास्कर के वीडियोज ही नहीं देखे होंगे आप लोगों ने। ये देखो यहाँ पे मुर्गे के नाम पे ना आपको बतख खिलाएंगे यहाँ पे यहाँ पे बतख ज़्यादा खिलाते हैं ये लोग, ये कहीं दुकानों पे जाओगे ना तो मुर्गा तो कम और बतख ज़्यादा खिलाएंगे आपको। और ये मार्केट तो फिर भी ठीक है, जमा हुआ फियाना रसू में गया था ना, दुकान पे बैठने के लिए जगह, सॉरी रोड पे बैठने के लिए जगह नहीं है, एक वो डंडा था उसके उस साइड में नदी थी, नदी के साइड में थोड़ी सी मतलब डंडे की साइड में ना खड़ा होने की जगह थी, वो लोग वहाँ पे खड़े थे और डंडे भी अपने सामान रख के बेच रहे थे। लेकिन यहाँ का एक चीज़ अच्छा लगा मुझे, यहाँ पे क्या है कि कोई भी ना कैमरा से दिक्कत नहीं होता यहाँ के लोगों को, बाकी और उधर अफ्रीका ये भी ऐसे तो मेडागास्कर भी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ही आता है, लेकिन बाकी अदर अफ्रीका कंट्रीज है ना वहाँ पे ना हर लोगों को कैमरा से दिक्कत होती है, हर कोई है जो कैमरा से दिक्कत करेगा। उधर चल के आता हूँ यार थोड़ा। हाय सलाम सलाम अंडे। ये मार्केट देखो, यहाँ पे देखो सब्जियाँ वगैरह अच्छी खासी हरी हरी सब्जियाँ खूब मिलती है यहाँ पे। लेकिन ये भाई है जो जंगल से लकड़ियाँ वगैरह ले आया है, साइकिल यहाँ का मेन जो ट्रांसपोर्टेशन है ना वो या तो वो लकड़ी की वो गाड़ियाँ हैं वो है या फिर साइकिल है, इन्हीं चीज़ों से यहाँ पे लोग सामान लाने ले जाने का करते हैं बस। ये देखो ये वाली बहुत चलती है यहाँ पे यार। और ये भाई लगा रहा है धक्के, देखो इसके ऐसे टायर होते हैं गाड़ी के, वो इसका हैंडल है। व्हाट आर यू सेइंग? व्हाट फूड? फूड नो, फुल फुल फुल, माय टैंक इज फुल, धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय। व्हाट तो व्हाट हैपन? वाला What are you saying? English, yeah. English, you know English? English, what? English. What? I don't know French. I don't know Malagasy. Oh, Malagasy. English, English. Bye bye. Tata. पता नहीं क्या बोल रहा था।
ओम भाई बड़े सनसेट होने वाला है, लेकिन फिर भी इतने तेज आ रहे हैं ना, पूछो मत, आंखें ही नहीं खुल रही है सामने देखने पे। आगे जाके आऊँगा शायद, मुझे कोई गांव दिख रहा है आगे। ये देखो यहाँ पे खाना बेच रहे हैं लोग, बाग क्या बेच रहे हैं, पाडे बकरे क्या है ये। हाय सलाम, हाउ आर यू, गुड, सलाम सलाम नो, यू आर गुड, साइकिल साइकिल साइकिल, गो गो गो, यू कैन गो नाउ, साइकिल ले ली मैंने, साइकिल ले ली छोटू की। पीछे ना सारे लोग मेरी तरफ देख रहे हैं कि ये कार्टून कहाँ से आ गया। क्या किप किप किप, Merry Christmas. Go, I eat this. Very tasty. Because it's very good for me. Oh my God, you know English? Oh my God. Yeah, ये भाई, ये भाई English जानता है ये. You know English? Yeah, yes. Oh wow, very nice. Being back here, Madagascar, my country. Madagascar is good country. Yes, of course. Very nice, very nice. I like Madagascar. Yeah. Yes. I take my military service. Okay. Yeah. I want to go Siombe district. How can I go Siombe? Siombe. Yeah. Belu, Siombe, Tanimura. Can I go from here? Ambundu. Is there bus from here? Yes, yes, yes. But they told that there is no bus from here. But I don't know. The road, the rain is coming down. Yeah, okay. Yeah, you are going this way? Yeah, yeah, I'm going this way. Okay, thank you, thank you. Nice to meet you. Yeah. Okay, bye. See you. My name is Joe. अब मैं आ गया हूँ जो रूरल एरिया है ना, ये पूरा सिटी यहाँ पे खत्म हो गया है। और ये देखो आपको झलक दिख रही होगी थोड़ी गाँव की, यहाँ पे ऐसे बैलगाड़ियाँ बहुत चलती है। हाँ इस्लाम, देखो ये छोटू है जो बैलगाड़ी लेके जा रहा है। ये देखो ये बैल है जो अपने सब अपने अपने घरों को लेके जा रहे हैं भाई बैल। ये मैं आ गया हूँ अब जो ये गांव रूरल एरिया आ गया है यहाँ पे। यहाँ पे देखो इन लोगों ने कुछ कब्रें वगैरह बना रखी है, वो वहाँ पे घर है छोटे छोटे। शहर के बाहर, शहर के जो ये इहोसी सिटी है उससे थोड़ा सा बाहर आया हूँ बस मैं। ये पीछे सिटी यहाँ पे ख़त्म हो जाता है और ये थोड़ा सा बाहर आ गया हूँ मैं। ऐसे मैंने सोचा शाम को क्या ही करूँगा यार वहाँ होटल में पड़ा पड़ा, और एक दिन में मैं ज़्यादा लंबा सफ़र तय करना नहीं चाहता था, वरना मैं डायरेक्ट भी जा सकता था। लेकिन क्या है कि फिर वो थोड़ा सा थकान सी हो जाती है, तो फिर मैंने सोचा थोड़ा सा यहाँ पे रेस्ट लेते हैं, कल सुबह वापस से जर्नी कंटिन्यू करेंगे। साउथ में जाने का विचार था जो सियोम्बे सिटी है ना, वहाँ पे सियोम्बे डिस्ट्रिक्ट, लेकिन अभी वहाँ पे कोई बस ही नहीं है, रोड इतनी ख़राब है तो कोई भी बस ऑपरेटर वहाँ के लिए बस ऑपरेट ही नहीं करता है। ये बच्चे क्या कर रहे हैं? ओ क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, ए अले, आराम से, स्लोली स्लोली, वह या ये ना मेरे को देख के ऐसे भग रहे थे उधर, जैसे मैं इनको खा जाऊंगा ना, मैं कोई तीसरी दुनिया से आया हूँ। वो लोंडा देखो सही में यार ऐसा लगता है इन लोगों ने कभी कोई बाहर का आदमी नहीं देखा। और ये है यहाँ की प्योर शुद्ध देसी लाइफ जो मेडागास्कर हो। वो देखो सनसेट, देखो यार क्या जबरदस्त सनसेट हो रहा है। अभी थोड़ी देर पहले तो मेरी आंखों में चुभ रहा था, लेकिन अब है जो थोड़ी देर बाद 10 मिनट बाद ही वो जबरदस्त लगने लग गया। हेलो सलाम, सब लोग है जो अपने अपने, वो देखो वो उधर है ना, ये पूरा का पूरा सिटी एरिया आप लोगों को दिख रहा होगा। और वहां से देखो माउंटेन्स का क्या जबरदस्त व्यू दिख रहा है अल्टीमेट। और ये देखो यहाँ पे आ रही है गांव वाली फीलिंग, ये जो है अपने अपने खेतों में काम करके आए। सलाम ये देखो अपने अपने खेतों में काम दाम करके आए ये लोग यहाँ पे आ रही है पूरी गांव वाली फीलिंग। मेडागास्कर की जो रूरल लाइफ है ना, गरीब है लेकिन ना वहाँ पे लोग ना बहुत ही हॉस्पिटेबल लोग हैं। वैसे हॉस्पिटैलिटी के मामले में तो अफगानिस्तान के नीचे नीचे है सारी कंट्रीज, लेकिन मेडागास्कर के लोग भी ठीक है, बोल चाल करने में ठीक है। और ये मैं इधर कोई गांव में आ गया, आगे है जो पूरा ना तालाब तालाब दिख रहा है मेरे को, चल के आते हैं आगे। ये देखो इधर ये भाई है जो काम कर रहा है अपने खेतों में, ये अलग ही वाइब से यहाँ की, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है आज ये सिटी में घूम के।
ये यहाँ पे कुछ घर वगैरह है। और मेडागास्कर के गांव में ना एक भी पक्का मकान नहीं मिलेगा आपको, सारे के सारे कच्चे घर मिलेंगे। सलाम, ये देखो इधर अब आ गए खेत खलियान। और वो देखो भाई, वो उधर से सनसेट दिखाता हूँ अभी आप लोगों को, लेकिन ये इधर वाला जो व्यू है ना, क्या जबरदस्त व्यू दिख रहा है यहाँ से। और आप देखो सनसेट का व्यू क्या जबरदस्त दिख रहा है। सलाम। ये देखो यहाँ पे ये लोग है जो खेती बाड़ी कर रहे हैं। मैं कहाँ पे आ गया यार, खेतों में आ गया, मैं घूमता फिरता। ओके सलाम भाई। सलाम। ये लेडीज क्या कर रही है यहाँ पे, देखो शायद सब्जी वगैरह को धोते हैं, ये पानी जो बारिश का पानी होता है ना, इसमें सब्जी वगैरह को धोते हैं ये लोग। ये देखो उधर और भी बहुत सारे लोग खेती बाड़ी करते हुए दिख रहे हैं आप लोगों को। कैन आई टेक वन? वन एक खीरा लेके जा रहा हूँ, इनको पैसे दे दूंगा थोड़े बहुत। वी हाय वी। और अब वापस आ गया हूँ मैं शहर की तरफ। मैं काफ़ी देर से गांव में घूम रहा था, अब मैंने सोचा अंधेरा हो जाएगा रात में यहाँ पे रुकना, गांव साइड में रुकना ठीक नहीं होगा, कोई जंगली जानवर वगैरह अटैक वटैक ना कर दे। लेकिन फिर भी थोड़ा नाइट टाइम में बाहर रहना थोड़ा सा ठीक नहीं है, अपन लोग कुछ जानते नहीं यहाँ के बारे में। और अब मैं जो ये इहोसी सिटी है ना, यहाँ की कोई पार्क में आ गया हूँ। ये लोग मेरे समझ में नहीं आ रहे बोतल रख रख के कर क्या रहे हैं, कोई गेम खेल रहे हैं। हाय व्हाट इज दिस, डू यू नो इंग्लिश? डू यू नो इंग्लिश? नो मतलब काशी होंगे नहीं। व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग लाइक दिस? ये देखो भाई मेसी, मेसी रोनाल्डो, यहाँ पे फुटबॉल का बड़ा क्रेज है। नेमार, नेमार, और ये लोग कुछ गेम खेल रहे हैं शायद, क्या करने वाले हैं यार। नो 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 नो, यहाँ पे पार्क आपको ऐसे ही मिलेंगे, छोटे छोटे पार्क मिलेंगे। ये देखो ये बच्चों के खेलने का बना रखा है इन लोगों ने, बच्चे ना इसी में खुश हो जाते हैं। ये देखो बस इसमें थोड़ा सा बच्चों को घुमा देते हैं और बच्चे इसी में खुश हो जाते हैं बस। या गुड सलाम, सलामा, हाय हाय, हर कोई गेम खेल रहा है यहाँ पे, छोटा सा पार्क है उसमें सभी गेम खेल रहे हैं। ये इधर कोई पेट्रोल पंप है, काफ़ी कुछ दिखा दिया यहाँ पे, रूरल लाइफ, अर्बन लाइफ, यहाँ के पार्क वगैरह काफ़ी कुछ दिखा दिया आप लोगों को। तो अब मैं वापस जाता हूँ मेरे होटल को। सो गाइस ये था इस वीडियो के बारे में, आई होप कि ये जो मेडागास्कर की सीरीज़ है आप लोगों को पसंद आ रही होगी, पसंद आ ही रही है, आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं। और मैंने एक शॉर्ट चैनल भी बनाया है जहाँ पे लेटेस्ट और शॉर्ट इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैंने वो शॉर्ट चैनल क्रिएट किया है, तो आप लोग वहाँ पर उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। उसका लिंक है जो आपको कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको शॉर्ट चैनल का लिंक मिल जाएगा। प्लीज़ आप लोग जितने भी यहाँ तक पहुँचे हैं उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।